गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शूट कर रहे हैं व्लॉग क्योंकि ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। मैं बहुत लो सा फील कर रहा हूँ एंड जब भी मैं लो फील करती हूँ मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ या फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है बढ़िया लगता है, चेयर अप सा फील होता है कि हाँ भाई मेरी यूट्यूब पे फैमिली है, कोई मेरी केयर करता है। तो या अभी हम व्लॉग बना रहे हैं और मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था तो देखो मैंने पेज पे श्री जी की ड्राइंग बना दी। आई नो इतनी अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग बट ठीक है, मेरा मन कर रहा है तुमको दिखाने का तो मैंने दिखा दिया। हमारी श्री जी बहुत लाडली लग रही हैं और फ्रेम में घुसा के अंधेरा कर रहा है ये देखो। वैसे मैंने ऐसी पेज में बना दिया, एक बेकार सा पेज था, अच्छे से मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था कि बहुत सुंदर बनाऊंगी। बनाने की कोशिश करी है तुमने? जी। और बिल्कुल राधा रानी जैसी लग रही है। हाँ तो लग रही है वो। जाओ अब निकलो यहाँ से। क्या पागल है क्या जी? जी आज तो मंडे है, ट्यूसडे है, तो मंदिर जाओगी? कहाँ से पढ़े हो आपको ये नहीं पता मंडे है ट्यूसडे है? ट्यूसडे है। हाँ ट्यूसडे है। तू भी जाएगा? हाँ मैं तो जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी जाऊंगी। ये कैसा वाहियात सवाल है। और ये बच्चे को नहीं है तो लोग हुआ पड़ा है, छोड़ो इसको। क्या हो गया? कह रही इसके बारे में कुछ कहूँ? दो शब्द जाते हैं दोस्त का 100 रुपए का 3 किलो बेच रहा, खुद जा चला जा उसके साथ रेडी पे बैठ के। मेरा 100 रुपए की 3 किलो जीजी बेच दो मतलब कबाड़ा। चुप हो जाए, कुछ वर्थ का है कुछ लो जी को ना बाद में जब क्या कर दिखा। यो तो मतलब तुम्हारे बहुत सारे फैंस कैम है, तुम बहुत सुंदर हो। हाँ तो मतलब मैं ना हूँ मैं भी मतलब सुंदर तो हो तुम। हाँ बहुत सुंदर हो। और सबसे ज्यादा जीजी हमारी सुशील है, सबसे ज्यादा है। गली में सुशील है, उसका भी अब्बा हूँ मैं, नाली में पड़ा रहा हूँ दारू पियो, मैं सुशील हूँ बहुत सुशील। और ये कर्म जो मैंने इतने बुरे कर रखे हैं ठीक करने को मैं रोज मंगल को माथा टेकता हूँ कि बाबा थोड़ी दारू वारू पी रहा हूँ तो ठीक है, सिस्टम खराब मत करियो। सिस्टम तुम्हारा खराब ही है। चलते दोस्त आकर। ये कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? हैं? पहले अपनी लोंडिया को पिज्जा बर्गर खावा खाओगी रेलवे रोड पे? अरे बकवास ना करे। हैं? क्या? पहले मंदिर जाएंगे उसके बाद में फोन का कवर भी लेके आऊंगी ना, मेरा आईफोन नंगू पुंगू हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। ये आईफोन वो तो ज्यादा नंगा पुंगू है ना। नंगू ही तो बिल्कुल भी कवर ना है ना गार्ड है कुछ भी ना है तो इट्स मीन नंगू पुंगू। लाडो बीमार हो रही है बेचारे। और गाइस लाडो के स्किन इन्फेक्शन हो चुका है और लाडो के हम 2 सुई भी लगवा के आए हैं और जब से ये नशे। हाँ सुई लगी है, सुई लगी है क्या। और मम्मी सुबह से बहुत ज्यादा बोर हो रही हैं, मम्मी मतलब काम भी कर रही हैं। ये पर पीछे क्यों बोलता है, पीछे तो तू तू करके मम्मी फुल बोल हो रही है तो इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के पूरा बाल बाल नॉर्मल बैठी थी, ये भी लोग चल रहा है, मैं बोर हो रही हूँ। ये बोर हो रही हूँ माई, मुझे कहीं घुमा ला। ओ गाइस मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और मम्मी ने अपनी लिपस्टिक ढीली कर ली है तो मम्मी बहुत ज्यादा बोर हो रही है तो मैं और मम्मी आज डेट पे जाने वाले हैं और ये लड़का हमारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके जो नकली मुकली कैप्स है हमें दुख रहे हैं। कुछ नहीं है, डेट नहीं, मंदिर चलोगी मेरे साथ? मंदिर ही जाएंगे। जा। तो अभी पहले घर पे पूजा करेंगे क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है शाम की पूजा का, तो पूजा करके उसके बाद चलेंगे मंदिर। सो या आप हमेशा भी चीज लिख गई मेरी मम्मी पे सड़क पार करनी नहीं आती, अंकल ने नहीं बुलाती है
वैसे तो मेरे पे अच्छी ब्लॉगिंग होती नहीं है, बट यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, इनसे एक दो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा हैवी नहीं पूछेंगे क्योंकि बच्चे हैं, घबरा जाएंगे, आप घबरा सकते हैं कैमरे को देख के, तो आ जाओ नॉर्मल ऐसे हनुमान जी के मम्मी पापा का नाम, ठीक है आ जाओ। सो मेन टारगेट हमारे बच्चे ही रहेंगे, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे। हनुमान जी के पापा का नाम क्या था? पता नहीं। मम्मी का नाम अंजना, माता का। और पापा का? पापा का केशरी। अच्छा, और हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? लक्ष्मण जी के लिए। बाय बाय, कट्टर हिंदू स्पॉटेड। कितने भैया थे? चार थे सर। नाम पता है? राम राम जी थे, उनके भैया थे राम जी के, लक्ष्मण भरत सकल। चलो चलो, भैया को कुछ तो पता है। और नाम बताना। लक्ष्मण राम। अच्छा, उनकी माता का नाम? राम जी माता का नाम। पिता का नाम? कुछ बच्चों ने मेरी बहुत बेइज्जती करी ऐसे देख के, कैमरे को देख के भग गए। और अभी मेरी मम्मी से पूछते हैं, आप मुझे कैसे संभाल लेती हो? बहुत मुश्किल से संभालती हूँ उसे, और सुबह सुबह उठ के स्ट्रगल करना पड़ता है, उठानी पड़ती है ये सुबह सुबह। और बताओ, वो बेइज्जती होगी मेरी शादी ना होने की, ऐसी बात मत करो। कोई बात ना, तेरी शादी ना करनी हो मैं। और फिर अपने पापा को बहुत डांटती है, जब इसके पापा से उठाते हैं वो कहते हैं बेटी उठ जा, मेरी बच्ची उठ जा, और फिर मैं आती हूँ, मैं इसके थप्पड़ मार के उठा देती हूँ बस। मुझे प्यार समझ आ जाता पर ठीक है, कभी कभी नहीं आता। इसे प्यार समझ नहीं आता, इसे पिटाई समझ आती है। ओ पिटा कब हूँ मैं? जब हम आ चुके हैं अपनी एकमात्र मार्केट रेलवे रोड, मतलब और क्या। और वैसे तो सबके यहाँ पे जो रेलवे रोड होती है वो, मतलब जो रेलवे की स्टेशन होता है वो ऐसी होता है बेकार सा, बट हमारे यहाँ पे बाजार बना रखा है। बना रखा है। और अब मेरी बेटी क्या खाएगी बताओ? जो मैं खाऊंगी आप मुझे खिलाएंगी, नहीं तो कृपया कर ना पूछो। बर्गर छोड़ के, बर्गर मैं खाती हूँ, चाउमीन मैं नहीं खाती। मोमोज छोड़ के, मोमोज भी बहुत खाती हूँ। इन्हें छोड़ के कुछ भी खा नहीं, ये नहीं होगा, यही होगा, देखिए अब तो कॉफी मिलेगी ना। अच्छा तो आप क्या खिलाओगी ये बताओ, मेरे से पूछो मत, जो खिलाना है वो खिला दो। कोई सा भी जूस पी सकती है? कोई सा भी जूस। बनाना शेक पी सकती है? शेक पी सकती हूँ। ओके, बनाना शेक पी सकती है, मैंगो शेक पी सकती है। हाँ मतलब शेक पी सकते हैं। और आगे? और गोलगप्पे? अरे उसका बेलपत्थर वाला जूस पी सकती है, और गोलगप्पे खा सकती है। गाइस इतनी खुश हूँ ना मैं इन बातों को सुन के। गाइस मेरा फेवरेट मोमोज वाला मोमोज वाले सा करने का भी बात है, तो कह रहे नुकसान थोड़ी करना। जूस वाले भैया मुझे ऐसे देख रहे क्यों? और मैं पूरे इतने रश वाले मार्केट में इतनी कैडी व्लॉगिंग कर रही हूँ, और हमारे यहाँ फोन स्नैचिंग बहुत ज्यादा होती है आजकल। गया मेरा आईफोन 12 प्रो। अंकल बहुत मोटा पैसा कमा रहे, पेटीएम भी करवाते हैं अंकल, कपड़ा बेच के कपड़े की दुकान खोल देता हूँ। तो
पैसे ना रुक रहे 500 के आओ ही जा रहे गुल्लक सी में से एक और निकल गया भाई। अंकल ये एक दिन क्या है? नहीं कई दिन। हाँ अंकल काय को झूठ बोल रहे हैं, अंकल रेड मार रहे तुम्हारे। और हमने ये कलर का कपड़ा लिया है, इसकी मूड बनाई है हमारी सलवार धोती। हम गरीबों को आइसक्रीम देंगे, लीजिए खुश हो बहुत खुश है तुमने आइसक्रीम बस मम्मी व्लॉग भी खत्म हो चुका है और मेरी मम्मी भी खत्म हो चुकी है बहुत थक तो गई है बहुत। और हमने दो गरीब बालक जो रह गए उनके लिए मैंगो शेक ले लिया है। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। सो अब नेक्स्ट व्लॉग होगा कि मेरी मम्मी की तहरीवी में मैंने क्या क्या खाया। वोट आई ईट इन माई मोम्स तहरीवी। कुछ ज़्यादा नहीं खाएंगे गाइस, आज के दिन उपवास रहता, सुबह सुबह बिरयानी खा लेंगे, फिर एक से एक समोसा लेंगे, एक मोजिटो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, एक आइसक्रीम भी खा लिया बेटा। ओके मम्मी, और भी खा ले। और मम्मी को गन्ने का जूस पसंद है, मम्मी का फेवरेट है, सब चीज़ खा तो हम खा लेंगे उसको। मैं गई तो इसके दोस्तों को कुछ नहीं कुछ पता, एक को तो कुछ भी नहीं पता था क्या मुकुल मुकुल भैया को कुछ नहीं पता था। मुकुल भैया पढ़ो रामायण थोड़ी सी। ब्रो सॉरी मैं कटवा नहीं पाया। इसकी नहीं चलेगी भैया, मेरा चैनल है, मैं एडिटिंग करूंगी। तो या आप थोड़ी सी, आपने लॉकडाउन में करा क्या था ये बताओ। रामायण भी नहीं देखी आपने, और इसको सब पता है, इससे मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि ये वहां मेरी बेइज्जती कर देता, पूरे मंदिर में पता नहीं क्या क्या पूछ लेता। ये बता, चलो अब मैं पूछूंगा तुम्हारी भाई दीदी से। बहुत ऐसे भाई दीदी से मैं पूछूंगा। चल पूछ, नॉर्मल पूछ। राम जी के, अच्छा राम जी के पिताजी का नाम क्या है? दशरथ। मम्मी को भी ले ले फ्रेम में। दशरथ। दशरथ के पिताजी का आज हाँ ठीक है। आज बहुत सारा ये बहुत मतलब हाई लेवल पे चला जाता है, इसे सब पता है तो ये हमारा पागल सा बना देता। मैंने तेरे दोस्त अच्छा, 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 ये बताओ राम जी जो दशरथ महाराजा दशरथ से 14 साल का वनवास, उनकी दासी का नाम क्या है? केकई का पुत्र कौन है? भरत। और शत्रुघ्न की माता का नाम? सुमित्रा। वो अजय रथ के लिए पूजा कर रहा था, अगर उस पर अजय रथ आ जाता तो उसे यू वरदान था, जब तक वो उस रथ पर रहेगा जब तक वो हर जब वो विजय कर लेगा पूरे का पूरा। बस गाइस यही रीजन था मैं अपने भैया से कुछ नहीं पूछी क्योंकि मैं भैया आगे की चार बार बता देता है। अरे जब उनके राम ने शक्ति मार दी नागपाश की तो उसे किसने काटा और कैसे काटा? नागपाश की लक्ष्मण पे शक्ति मार दी, दोनों मार दी, दोनों भैया हो गए राम ने। बाजो का राजा हाउ गरुराज, गरुराज उसे हनुमान जी लेकर आए थे, जो बाज चीन का तुम्हें पता हर क्या नाम है हनुमान जी के, उसके उसके लक्ष्मण जी की शक्ति किसने मारी थी? मेघनाथ ने। वो कैसे काटती थी? एक सवाल है लास्ट, यू जो संजीवनी बूटी लाए थे यू इन्होंने हल किसने बताया था? वेद का नाम क्या है? अरे उसका नाम मुझे याद है, वेद उठा कर लाए थे कहाँ से? हाँ लगता मैं सब उठा कर लाए। नाम क्या है वेद जी का? वेद का सुसेन देव। हाँ मम्मी को तो पता है पर यू तो डाडी नु कर रही है। अभी सीख जाएगी तू भाई, तुझे भी तो मम्मी ने सिखाया। मम्मी ने भैया सिखाया मेमोरी हम भूल जाते हैं, नहीं पता हमें सब कुछ है। हाँ बस हमें याद नहीं रहता, वो बात अलग है।